तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम उस्मान बोलकार साहब के कज़न के साथ हैं और वो हमें एग्रीकल्चर की बातें बता रहे हैं। ये बलोची स्पीकिंग है, पंजाबी भी बोलते हैं, सिंधी भी बोलते हैं, बहुत एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे और फेसबुक लाइव बहुत ज़्यादा करते हैं। मेरे साथ आज पहली दफ़ा बात हो रही है, बहुत स्वीट है। मैं तो इनको कोई 28-29 साल का समझता था, लेकिन ये कह रहे हैं मैं तो 18 साल का हूँ। तो अभी 28-29 के हो जाएंगे तो वडेरे बन चुके होंगे या वजीर आला बन चुके होंगे। ऐसे ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वजीर आला हम नहीं बन सकते, हम गरीब बंदे हैं, वजीर आला नहीं बन सकते। बाकी अगर उस्मान नजार भी तो गरीब बंदे थे। मेहनत करे तो बन सकता है बंदा, कोई भी ऐसी बात नहीं है। वजीर आला बना है, गोलदार साहब भी मेहनत उसी ने किया है। बिल्कुल, क्योंकि हर चीज मेहनत से बनता है। अच्छा, आप बता रहे थे कि बारिश हुई है और बारिश की वजह से जो है कुछ फसलें खराब हो गई हैं, मिर्ची की फसलें हैं, और आप जो हैं वो चावल उगाते हैं और कॉटन उगाते हैं और प्रोसेस नहीं करते, अनप्रोसेस्ड बेच देते हैं, बस उसको कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते। तो ये जो मिर्चियाँ हम उगाते हैं, तो मिर्ची कितने, इसका साइकिल कितना बड़ा होता है, मिर्ची की जो फसल है वो कितने दिन में तैयार हो जाती है? मिर्ची की देखें ना, बहुत सारी किस्में होते हैं। एक छोटी सी मिर्ची होती है, इतनी गोगी गोगे मिर्च कहते हैं जिसको हम सिंधी में, और एक मिर्च होता है लंबी साइज वाली मिर्च। तो मतलब इसी की जो पैदाइश होती है वो ऐसे समझे कि तकरीबन से तकरीबन 6 माह का होता है। 6 माह में ये फसल तैयार हो जाता है। 6 माह में ये लाल कलर भी हो जाता है, कुछ कुछ लाल हो जाते हैं। जब ज्यादा मतलब धूप निकलती है तो लाल हो जाती है। बाकी स्टार्टिंग में जैसे कच्ची होती है मिर्ची, तो फसल मतलब 6 माह का होता है। बाकी उसमें किस्में होती हैं, एक गोगी मिर्च होती है जो कि छोटे मिर्च आपने देखी होंगी, एक बड़े साइज वाली मिर्च होती है। तो बस यही होता है जो ना मिर्च का किस्म किस्म, बस जैसे दूसरे फसल होते हैं ये भी उसी मतलब उसी जैसे ही होता है। अच्छा, आपके इलाके में मिर्ची उगती है क्या? क्या हुई है मेरे इलाके में? मिर्चें होती हैं आपके इलाके में? नहीं, मेरे इलाके डिस्ट्रिक्ट घोटकी में मिर्चें मतलब ज्यादा नहीं होती हैं, जितने मतलब बाहर से एक्सपोर्ट होके हमारे जो है डिस्ट्रिक्ट में आती हैं। बस थोड़ा बहुत किसी इलाके में, वो भी ठंडे इलाके में होते हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट एक ठंडा इलाका हो जहाँ सिम वाली जमीन ना हो, अच्छी जमीन हो, उसी में रेत वाली जमीन हो, तो उसी में होती है मिर्चें। बाकी ज्यादा घोटकी में जो है ना, ये मुंजी कहते हैं पंजाबी में, सॉरी, और अपना राइस कहते हैं इंग्लिश में, राइस चावल और काटन होता है ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, एक ये पेपर सॉस में आपको खा रहा हूँ, मिर्ची से बनता है, मिर्चों का सिरका है, और ये 100 ग्राम की जो बनती है इसकी कीमत 900 रुपये होती है, सिर्फ 100 ग्राम सिरका है। और ये समझो एक मिर्ची दो मिर्ची बन जाता है, इसको उठा के डब्बे में बंद कर देते हैं 1 साल के लिए, उसके बाद ये सिरका बन जाता है। इसको मैं बिल्कुल, बड़ा बड़ा गरीब खाता हूँ। ये बिल्कुल सही है। देखिए ना, 6,000 से 5,000, 6,000 पे मन जाता है मिर्ची का, तो जाहिर बात है वही रेट तो होगा ना इसी का भी। नहीं, वो रेट नहीं है ना, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि इसको इसको बनाना चाहिए। हमारे यहाँ नहीं बनाते लोग, जो किसान है बेचारा वो ये चीज़ें नहीं बनाता, जिसकी वजह से वो गरीब रहता है। अगर वो मिर्चियाँ उगाता है तो 10-20-50 किलो का ये सिरका बनाना शुरू कर दे। ये सिरका है, इस तरह आम का सिरका बनता है, 5,000 रुपये किलो बिकता है। इसी तरह से ये मिर्ची का सिरका है जो कि 1,000 रुपये, बल्कि समझो 10,000 रुपये किलो है। तो अगर आप माशाल्लाह 18 साल के हैं, तो इसको अगर आप स्टडी करना शुरू कर दें और आप इस किस्म की वीडियोस डाल दें कि किस तरीके से एग्रीकल्चर के अंदर आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। एग्रीकल्चर तो हम कर रहे हैं, हमें तो हज़ारों साल से यहाँ कर रहे हैं, लेकिन हम उसकी चीज़ें नहीं बना रहे महंगी महंगी। जैसे टबैस्को सॉस है, सिरका है, सिंपली मैं हर खाने में हर पिज्ज़ा के साथ ही खाता हूँ। मेरा तो अपना ही टबैस्को का ख़र्चा समझो 5-6 हज़ार रुपये का हो जाता है। तो मैं तो चाहूँगा कि हमारे मुल्क में गए, अभी इन्होंने बनाया है शान मसाला वालों ने, वो 120 रुपये की बोतल बेच रहे हैं, जो कि अच्छी कीमत है, लेकिन फिर भी हम अपना बनाएं तो इवेंचुअली ये एक अच्छी प्रोडक्ट बन सकती है।
जी, देखिए ना, जो आप कह जैसे आप कह रहे हैं हाथ वाली चीज तो हाथ वाली होती है, ये प्रोडक्ट तो पता नहीं कैसे कंपनियों से बनी हुई है, हाथ वाली अगर चीज बनेगी तो वो बहुत अच्छी होगी, एक मिसाल है। तो बिल्कुल मैं इसी को तो बनाते हैं, उसके ट्यूटोरियल यूट्यूब पे पढ़े हैं आप, यूट्यूब पर जाके लिखिए हाउ टू मेक द बेस्ट सॉस, हाउ टू मेक चिली सॉस। तो सॉसेज बहुत महंगे बिकते हैं, चटनियाँ जो हैं ये बड़ी इंडस्ट्री है और $3 से $10 की बोतल आती है चटनी की, तो हमारी $3 का मतलब हो गया 450 रुपये से लेके 1200 रुपये। जब मैं मुल्क से बाहर जाता हूँ तो मेरे $100-200 यानी 15,000 से 30,000 रुपये की थोड़ी चटनियाँ मैं लेकर आता हूँ, क्योंकि मुझे चटनियों का शौक है। तो मैं ये चटनियाँ फिर लेकर आता हूँ, फिर उसको उससे ना खाने का फ्लेवर चेंज हो जाता है। जैसे हम मसाले डालते हैं, ऐसी चावल उबाल के खा लिया करें, बिरयानी क्यों पकाते हैं भाई, अगर आपको शौक नहीं है मसालों का तो मसालों से तो मजा आता है ज्यादा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल हर चीज के साथ जहरी बात है, मतलब अगर चावल हो दही ना हो, मतलब बिरयानी के साथ तो फिर भी मजा नहीं आता, कहते हैं यार बंदा दही होनी चाहिए, फिर बिरयानी होनी चाहिए, उसी में मसाले होने चाहिए। तो आजकल मतलब सिस्टम चेंज हो गया है, ये आजकल के दौर में पहले ये चीजें नहीं थी। अगर आप थोड़ा पीछे जाएं या अभी भी आप गांव का विजिट करें तो वो क्या खाते हैं, वो तो ऐसे व्हाइट कलर के चावल बना के वही खा के सो जाते हैं, फिर से उठता है बंदा फिर मतलब खाना। तो ये शहरों में भी होता है, बाकी जैसे कि अभी मैं गांव में बैठा हूँ तो ऐसे गांव में ये चीजें नहीं होती है, जैसे आप बता रहे हैं कि चटनी भी होनी चाहिए, वो चीज भी होनी चाहिए, ये मतलब शहरों में होता है। मैंने तो ये रिसर्च किया देखा है, तकरीबन अभी तकरीबन आप आए थे डर की, मैं आपको एक इलाका मुझे घुमाना था लेकिन आप मियां साहब के पास गए तो फिर मतलब आप नहीं मिल पाए। इंशाल्लाह मैं आपको फिर से दिल से जो ना कहता हूँ कि आप आ जाएं, और इंशाल्लाह यहाँ पे भी एक थर का इलाका है, रेत का इलाका, तकरीबन घोटकी से मतलब ऐसे समझे कि 70-80 से 100 किलोमीटर होगा, वहां पे मैं ले चलूंगा इंशाल्लाह आपको। तो आप वहां का विजिट करेंगे तो उनको तो ये ना दही का पता है तो ना इन चावलों का पता है, बस दो वक्त का जो है ना तीन वक्त का खाना खा के सो जाते हैं, फिर से उठते हैं, फिर काम काज में लगते हैं, काम काज के बाद फिर खाना। मतलब उन लोगों ने, ऐसे लोगों ने जिंदगी नहीं देखी है, जैसे हम डिजिटली दौर में आजकल मतलब लगे हुए हैं। आजकल पहले कीबोर्ड की दौर होती थी, अब जो है टच का दौर आ गया है, अभी जो टच करो वो सामने आ जाता है। तो जिंदगी मतलब लाइफ चेंज हो रही है हर बंदे की, उन लोगों की लाइफ अभी तक भी चेंज नहीं हुई है, क्योंकि अभी अभी उनमें ये हो रहा है कि अभी जो है ना वो उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो अब हो सकता है उनकी लाइफ आने वाले मतलब नई जनरेशन में चेंज हो सकती है। तो मैं तो यही कहूंगा। ठीक है, तो बारिश का आपने बोला तो बारिश के बाद जो है वो चावल की फसल को करना चाहिए, उसमें अच्छा रहता है और उससे अच्छी फसल होगी इंशाल्लाह ताला। ये क्या है? बिल्कुल सही, चावल का देखें ना, अगर हम चावल पे बात करें, मैं दोस्तों को बताता चलूं तो जहाँ पे ज्यादा बारिश होता है या वहाँ पे जमीन कहीं खराब है, मतलब सिमका एक इलाका है जो कि नीचे से पानी उबल आता है, तो फिर जो है ना आपको चावल लाजमी उगाना चाहिए, आपको फायदा होगा चावल से। जैसे कि आप देखें चावल तकरीबन एक किस्म है जो कि 60 दिन में तैयार हो जाती है, उसका 2000 रुपये मन जाता है। अगर आप वो चावल उगाएं अपने इलाके में 100 एकड़, 200 एकड़, 300 एकड़, मैं कहता हूँ आप कोई काम ही ना करें, बस बैठे जो है ना आप मतलब अर्निंग करें, पेमेंट आपके पास बैठे बैठे आ जाएगी। तो दूसरे और भी बहुत सारे चाइना के किस्म अभी आ गए हैं, चाइना से आ रही है चावल जो कि चाइना एक हाइब्रिड होती है, मैं कहता हूँ ऐसे चावल उगती है और हमारे पाकिस्तान जितना नहीं उगते उतना वो चाइना वाले जो है ना उगाते हैं इधर हमारे इलाके में। हमारे पास तो बाकायदा बड़ों को तो हर उनको चावल का नाम का भी पता हो गया, अभी वो फलाना किस्म है, वो फलाने किस्म है, लेकिन हम जब देखते हैं आंखों से तो वो चावल चावल जैसे ही होता है, लेकिन बड़ों को फर्क महसूस होता है तो भाई ये जो है इसी में इतना फर्क है। अच्छा ये बताएं कि फर्ज कीजिए कि मेरे पास 10 एकड़ जगह है, तो अगर मुझे उस पर चावल उगाना है तो क्या मुझको अपने आदमी रखने होंगे या कोई ठेके पे आके
मैं उसको जमीन दे दूंगा, वो चावल उगाएगा, मेहनत करेगा, उगाएगा और मुझे मेरे हिस्से के दे देगा। क्या तरीका है? बिल्कुल सर, आपने बहुत ही अच्छी बात कही। आपके पास जमीन भी है, हमारे इलाके में होता है, मतलब जो हारी होता है, हम सिंधी में हारी बोलते हैं, या मतलब जो काम करने वाला, तो वो काम करने वाला जब आपके पास आएगा तो हमारे इलाके में ये सिस्टम है कि आधा जो है ना वो मतलब खुद रखेगा, आधा उस मालिक को देगा। अभी आपके इलाके की पता नहीं कि वो कैसे सिस्टम चल रहा है। एक तो मतलब ठीके पे दे देते हैं, भाई ये चावल उगाओ, मतलब तुम्हारा जितना भी खर्चा होगा वो बाद में फिर हिसाब किया जाएगा, वो तुम्हें दिया जाएगा। ऐसे भी होता है, हर इलाके का अपना अपना सिस्टम होता है। अभी आप कह रहे हैं कि 80 एकड़ जमीन है, वहां पे पानी भी है, हर चीज है, जमीन भी अच्छी है। पहले तो आप कपास की कोशिश करें, क्योंकि कपास कभी 5,000 मन जाता है, कभी 6,000 मन भी जाता है। अगर कपास नहीं होती है वहां, सिंध का इलाका है, तो फिर आप ये चावल लगा दें, इंशाल्लाह ताला कामयाबी है, चावल बहुत ही अच्छी उगेगी। तो जो हारी है उसको आधा आधा करते हैं, उसका क्या तरीका होता है? इधर हमारे पास आधा आधा का सिस्टम है, मतलब जितनी भी चावल 40 मन, 50 50 मन, 25 मन उस हारी का होगा, 25 मन आपका होगा, उसी में जो खर्चा होगा वो आधा हारी भरेगा, आधा आप भरेंगे, मतलब मालिक। अच्छा, और क्या खर्चा आता है पर मन? खर्चा क्या आता है उगाने का? खर्चा सर ये होता है, बीज लेना पड़ता है स्टार्टिंग में, उसके बाद फिर कुछ केमिकल जो दवाइयां होती हैं तो स्प्रे करना होता है, स्प्रे का भी सिस्टम थोड़ा होता है, उसी में कुछ मतलब जो के वो एक जीत सी होती है, जैसे के मतलब वो लग जाता है तो उनको स्प्रे करना पड़ता है। तो ये बस खर्चा है, ज्यादा चावल को खर्चा नहीं है, जितना खर्चा उसी में होता है अपना काटन में, काटन में बहुत खर्चा होता है। अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में इस साल पूरी डिस्ट्रिक्ट काटन खत्म हो चुकी है, एक ऐसी जीत आई है जिसमें मतलब पूरे जो है ना वो काटन वो खत्म हो चुकी है, ज्यादा काटन को नुकसान हुआ है मालिकों को, जो के बड़े बड़े जमींदार हैं, मतलब लोग हैं, 500 एकड़, 600 एकड़ जमीन है जिसकी। तो एक तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में बैन लगी हुई है चावल पे, तो फिर भी लोगों ने फिर मतलब चावल लगाया, भाई अगर मतलब वो देख रहे थे, अगर मतलब काटन नहीं भी हो रही है, एक तो बारिश आ गई, काटन को बारिशों ने भी मतलब बड़ा नुकसान दे दिया। एक तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 5 साल से बैन लगी हुई है, चावल नहीं उगा सकते हम, क्योंकि सिंध का इलाका ज्यादा हो चुका है, पानी ज्यादा है, हमारे जो ना ऐसे समझे कि साइड पे पन्नो आके लाता है, तो इसके लिए छावनी के लिए मतलब वो बैन लगा हुआ था, बैन लगा दिया उन्होंने। चलें, आपको कुछ पूछना तो नहीं मेरे से? मैं बता देता, जी सर, आपको कोई बात तो नहीं करनी? मैं पूछ रहा, नहीं मुझे तो बात किसी के साथ नहीं मतलब करनी है, आप जो सवाल पूछ रहे हैं तो उसका जवाब मैं आपको दे रहा हूँ, जितना मेरे पास मतलब इल्म है। एक इल्म होता है, आज का हमारा टॉपिक चावल और अपना ज़राए पे था, तो ये सिस्टम हमने दोस्तों को बता दिया है, और कोई दोस्त का सवाल होगा तो उसको जवाब भी जरूर दे देंगे इंशाल्लाह। इफ्तिकार अली लिख रहे हो भाई, 3 दफा चावल उगाए हैं घोटकी में, तो सारे दरख्त भी खत्म हो गए। भाई किधर है, बारिश भी नहीं आया है, तो दरख्त किधर से खत्म हो गए हैं, कुछ भी नहीं है। घोटकी वैसे ही दुबई का इलाका, जैसे नाम हमारे घोटकी को दुबई का दिया हुआ है, वैसे ही दुबई है, कुछ भी नहीं हुआ है हमारे। पहले तो मैं बताता चलो दोस्तों को, घोटकी हमारा एक ऐसा जिला है पूरी सिंध लेवल पे, ऐसे समझे कि दूसरे दूसरे पता नहीं तीसरे नंबर पे टैक्स देता है वो। अगर हम टैक्स की बात करें, हमारे पास 7 से 8 पशुगर मिल है, इसके अलावा जो ना इस घोटकी जिले में खाद की तकरीबन मेरे ख्याल में 2 3 फैक्ट्रियां हैं, 3 फैक्ट्रियां खाद की, बड़े में बड़े इंग्रो, FFC, और गैस फील्ड जो कि लाहौर तक गैस फील्ड जाते हैं, कादिरपुर गैस फील्ड। फिर भी मतलब पता नहीं जो ना चीजों से महरूम है जो ना घोटकी, पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लगता है। क्या चीज मिसिंग है? मतलब चीजें रोड रास्ते में, आप जैसे आपने देखे हैं, आप आए भी थी माशाल्लाह, आप तो मतलब आए बाईपास से, मतलब बाईपास लेके, अगर आप
थोड़ा जो ना अंदरूनी जो इलाके हैं, मेरा जैसे इलाका है जरवार सिटी है या दूसरे सिटी है, तो उनका थोड़ा सा विजिट करते ना, रोड रास्ते मतलब खंडर लगे पड़े हैं, बेकार रास्ते हैं। तो इसके हवाले से अगर पॉलिटिकल बंदे काम नहीं कर रहे हैं तो इनको जो ना करना चाहिए, जो कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियां हैं इधर, इनको लाजमी जो ना थोड़ी सी भी जो ना एक्शन होनी चाहिए कि भाई ये जो ना हम भी काम करवाएं। अभी गैस सिलेंडर तकरीबन 5 से 10 किलोमीटर तक उनको फ्री में देना, फ्री तो उन्होंने दिया, पैसों में भी अपने इलाके में कादिरपुर में पूरा गैस नहीं है जो कि लाहौर तक जाता है या दूसरे इलाकों में जाता है। तो देखें ये मतलब नाकामी है, मैं समझता हूँ। जब आप वजीर आला बन जाएंगे तो ये सारे मसले ठीक होता इफ्तार अमन लिख रहे हैं, पता नहीं आपको जरवार से यारो लंड, बिल्कुल भाई वही तो हम कह रहे हैं कि काटन को अभी बड़ा नुकसान हुआ है ना बारिश की वजह से। बारिश इतनी ज्यादा नहीं आई है, जो स्टार्टिंग वाली बारिश आई है उसी में ज्यादा से ज्यादा नुकसान हुआ है अपने डिस्ट्रिक्ट गोटकी में, काटन को भी, बाकी जो है ना चावल को तो कुछ नहीं हुआ, ये छोटी मोटी बारिश आई है। अभी जैसे कराची में इतनी बारिश आई है उतनी तो मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं आई है, इतने कराची में बच्चे तैर रहे हैं उधर। एक बंदे की मुझे जो ना एक बंदे का किस्सा मुझे याद आ गया, जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब बारिश ज्यादा आता है तो फिर ज्यादा पानी आता है। मैं कहता हूँ अब वो किस्सा सही निकला मेरे ख्याल से। कराची वाले जो ना तकरीबन 5 6 दोस्त हैं मेरे उधर रहते हैं, कहते हैं यार हमें समुद्र पे छोड़ते नहीं है, हम जाएं तो कैसे जाएं जो ना मतलब एंजॉय करने के लिए। मैंने कहा अल्लाह करेगा एक दिन आएगा ये पानी समुद्र वाला आपके पास आएगा, वैसे ही आई पानी इतनी बारिश। बाकी ये कराची में तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियों के मालिक हैं, कोई जॉब वाले हैं, कोई कैसे है कोई कैसे है, उनको तो परवाह नहीं है। अगर ये बारिश खेतों में आ जाए तो उनको बड़ा नुकसान हो जाता है। अगर हम जराए पे बात करें, क्योंकि हमारा टॉपिक जराए का है, आप पता नहीं हम कैसे कहाँ पूछ गए। शुक्रिया तारिक खान दरबार साहब, आपने आपको बहुत जाना है, ऊपर उड़ना है, आपके अंदर बहुत ठहराव है, बहुत आपके अंदर गुस्सा भी है और जज्बात भी हैं और कोशिश भी बहुत करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह बहुत ऊपर जाएंगे। गुस्सा मेरा किसी पे भी नहीं है, देखे ना मैं गुस्सा नहीं कर रहा, लाइव ऑफ हो गया है। चलो नो इशू, लाइव चल रहा है, ऑफ हो गया। जी सर, तो गुस्सा मैं किसी पे भी नहीं करता हूँ। मैंने तकरीबन ऐसे समझो कि 7 साल मैंने करंट इशू पे बात की है। 2013 में मैंने सोशल मीडिया में जो है पाँव रखा है और 7 साल मैंने करंट इशू पे, अभी 2 माह में मैं करंट इशू से हट गया हूँ। मैंने बड़े बड़े MPs, MNs, बड़े बड़े मिनिस्टरों से भी मैंने लाइव आके आमने सामने बात किए हुए हैं। तो बात वो है कि जो है ना मतलब कुछ हो नहीं रहा है, अमल नहीं हो रहा है कामों पे, ज्यादा मगजमारी लगा लगा के खड़े हैं, समझते नहीं, फिर चुप करके बैठ जाते हैं, कहते हैं भाई अभी कुछ करना ही नहीं है बस। अभी तो मैंने वो सिस्टम ही खत्म, अभी मैं व्लॉगर बन गया, टूरिस्ट बन गया, लेकिन मेरी बातों में किसी को समझ नहीं आई। अभी मैंने यही सोचा है कि भाई अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी जो है ना हिस्टोरिकल प्लेस है पूरे पाकिस्तान में, उनको प्रमोट करना है, उनको दुनिया लेवल पे लाना है, एक चीज दिखाना है कि भाई ये भी हमारे पाकिस्तान में है, ये चीजें भी हमारे पास हैं। अच्छा, आपको इंग्लिश से डर क्यों लगता है? सर इंग्लिश से मुझे डर नहीं लगता है, इंग्लिश में बोलना ही नहीं चाहता, क्योंकि मैं कहीं और कंट्री में जाऊंगा नहीं, मेरा प्यारा पाकिस्तान है अपना, मैं अपने पाकिस्तान में रहूंगा, पाकिस्तान में मैं मतलब पैदा हुआ, पाकिस्तान में मैं मरूंगा, मेरा टारगेट ये है कि मैं इंग्लिश बोलूं ही ना। अब वो मैं लैंग्वेज ही नहीं है ना, मैं इस्लामी इजाजत नहीं देता इंग्लिश बोलने के लिए, बोलो ही ना, वैसे ही गुनाह है बोलना इंग्लिश। उर्दू बोलने से सवाब मिलता है? उर्दू बोलो, उर्दू हमारा मतलब
हमारा पाकिस्तान की लैंग्वेज है, उर्दू बोलो, सिंधी बोलो और लैंग्वेज बोलो, जो हमारे लैंग्वेज है बाबा दादाओं के, हमारे बाबा और दादाओं ने तो इंग्लिश नहीं बोले थे, वो तो आज की जनरेशन बोल रही है। लेकिन ये है कि आज जो सिस्टम है, सिस्टम पे चलना चाहिए ना। आज की जैसे दुनिया है, अभी आगे पता नहीं क्या होगा, आज के दुनिया में आज के जो ना इसी में तो हम देख रहे हैं कि भाई ये चीजें अभी, आज के पहले टच अपना कीबोर्ड का जो ना वो सिस्टम वो खत्म हो गया, अब टच का सिस्टम हो गया, आगे पता नहीं क्या आएगा। अभी मैंने एक चीज देखा यूट्यूब पे, अभी मोबाइल जैसे कि आईफोन, आप आईफोन में अभी आ रहा है वो सिस्टम, आपके पास भी आईफोन होनी चाहिए, मेरे पास भी आईफोन होनी चाहिए, कोई भी चीज अगर हम खुशबू सूंघे तो वो खुशबू का जो ना वो सिस्टम अभी उन्होंने निकाला है आईफोन टू आईफोन। देखें ये बड़ी कमाल है, ये जल्द अभी लॉन्च होगा, वो पता नहीं क्या से क्या चीजें बन रही हैं लोगों का, लेकिन हमारे पाकिस्तानियों का दिमाग वहीं पे भाई। कराची में पानी कम होता है तो दिखाते हैं इंडिया के वीडियोस, पानी में डूब रहे हैं, बचा ही कुछ नहीं है, और ऐसी ऐसी चीजें भी है, लेकिन इतनी भी बारिश नहीं आई जितनी मीडिया पे लोग दिखा रहे हैं। इन चीजों पर मुझे गुस्सा है, मैं कहता हूँ कि जो चीज रियल हो, रियल चीज दिखाएं आप, वो बेशक कराची हो या लाहौर हो या कोई भी और इलाका हो। बाकी आप माशाल्लाह अभी बड़े हैं, अभी जो ना आपकी तो सोशल मीडिया में अपनी एज आपने पूरी, मैंने आपके इलाज पर रिसर्च किया है, मैं समझता हूँ आपने अपनी लाइफ पूरी सोशल मीडिया को दे दी है, मैं ऐसे कहता हूँ क्योंकि मैं देखता रहता हूँ तकरीबन। ठीक है, तो ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि अंग्रेजी बोलने से गुनाह मिलता है और उर्दू बोलने से सवाब मिलता है, ये बात मुझे नहीं समझ, इसको समझाओ। बिल्कुल सर, मैं आप मुझे ना, आप ऐसे करें, आप कोई मतलब बड़े एज वाले से पूछें, बड़े एज वाले से, शहर वाले से ना पूछें, किसी गांव वाले से पूछें, थोड़ा सा भी उसको समझ होगा ना तो वो आपको सारी डिटेल बता देगा कि भाई ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे। बाकी ये है कि आजकल के दौर से चलना चाहिए, अगर आउट ऑफ कंट्री जाए वहां पे भी इंग्लिश चलती है, और अगर हमारे पाकिस्तान में बच्चों को पढ़ाते हैं वो भी कहते हैं कि भाई बेटा पहले इंग्लिश पढ़ो फिर किसी और लैंग्वेज, इतना पढ़ पढ़ के पढ़ जाते हैं, जैसे कि भाई हमारे बिलावल भुट्टो साहब है, उनको आज तक ना सिंधी आती है ना उर्दू सीधी आती है, इंग्लिश अंग्रेज बन गया है। तो वैसे ही होता है ना अपने बच्चों, अभी मैंने जफर भुट्टो को 3 मरतबा बताया, जफर भुट्टो भाई अपने बच्चों को उर्दू सिखाना, सिंधी सिखाना बराए मेहरबानी, जैसे कि पाकिस्तान आके हमारे साथ उर्दू सिंधी या किसी दादा कोई बाबे के साथ जो है बोल सके। तो उसने यही कहा कि भाई ठीक है, वो जो है सिंधी भी सिखाते हैं, उर्दू भी, इंग्लिश तो वैसे अंग्रेज बच्चे बन गए अभी से। तो मेरा तो यही टारगेट है, मैं मेरी सोच यही है, मैं अपनी सोच यहीं तक ही रखता। सर आपके भाई पैदा हो रहे थे तो पैदा होने से पहले किसी ने पूछा था कि कौन सी जबान का बनना है, कौन सी मुल्क में बनना है, कौन से मजहब में बनना है, किसी से किसी ने इजाजत ली थी आपसे या क्या हुआ था, मुझे तो याद नहीं। सर बिल्कुल, पैदाइश होने से जो ना पहले जो ना कोई सीख के बंदा नहीं आता, बाद में पता लगता है कि इस्लाम, हम इस्लाम, इस्लामी जो ना घराने में आए हैं या किसी और घराने में आए, वो बाद में पता लगता है। तो क्या चीज करना अच्छा ही क्या है, अच्छा रास्ता कौन सा, सीधा रास्ता कौन सा, गलत रास्ता कौन सा, वो बाद में पता लगता है, पहले थोड़ी पता लगता है। तो फिर जब आते हैं हमें कुरान का भी पता लगता है कि कुरान हमारा पाक किताब है, इस्लाम पता लगता है, मतलब सारी डिटेलें बाद में आ जाती हैं। तो ऐसे अगर पहले बंदा जो ना सीख के आए जो ना माँ की पेट में से, तो फिर दुनिया में बंदा कुछ करे ही ना, सारी कुछ तो वहां से सीख के आएगा ना, अंग्रेजी बोलना या कोई और बोलना। हमें हम अरबी क्यों नहीं बोलते, हमें अरबी भी बोलनी चाहिए जो हमारा मतलब इस्लामी लैंग्वेज है, हम इंग्लिश पे ही क्यों जोर देते हैं, हमें अरबी भी तो फिर बोलनी चाहिए। अगर हम उसी बात पे आते हैं, इंग्लिश अगर हम बोलते हैं तो अरबी भी हमें बोलनी चाहिए, हम अरबी नहीं बोलते। आपने बताया कि अंग्रेजी बोलने से गुनाह मिलता है और उर्दू बोलने से सवाब मिलता है, ये बात मुझे समझ में नहीं आई, तो क्योंकि समझ में नहीं आई तो आप समझाएं ना बड़ी उम्र वाले से क्यों मैं पूछवा रहा हूँ, आप बताओ। सर बिल्कुल, मैंने तो मुझे जितना मतलब नॉलेज है, मैंने मतलब बड़ों से ये चीज सीखा है, तकरीबन जो बड़े
एज वाले हैं, 100 साल से 100 साल तक तकरीबन, आप उनसे किससे भी अच्छे से पूछेंगे, बुढ़े से बुढ़ा होगा तो वो आपको कहेगा इंग्लिश देखें, इंग्लिश सिर्फ इतनी भी वो चीज नहीं है, ट्रांसलेशन मतलब इंग्लिश उर्दू में अगर हम बोलते हैं तो वो उसी को मतलब इंग्लिश में मतलब वो करके बोलते हैं, बात तो सेम बन जाती है। अगर हम कहते हैं भाई आप कैसे हैं, हम उर्दू में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं हाउ आर यू, बात तो वैसे वही बन जाता है। अरबी में अगर वो अरबी वाले बोलेंगे, बलोची में बलोची वाले बोलेंगे, सिंधी में सिंधी वाले बोलेंगे, लेकिन ये है कि बस इंग्लिश से मैं कहता हूँ कि मुझे इंग्लिश अब बोलनी भी नहीं चाहिए, उर्दू ओनली, सिंधी इंग्लिश, इंग्लिश नहीं सॉरी, बस जियो और जीने दो, अपने पाकिस्तान में लाइफ जियो, दूसरे मुल्क में किस चीज की जरूरत है, हम जाए कौन सी चीज हमारे पाकिस्तान में, हम दूसरे मुल्क में जाके इंग्लिश बोले। ठीक है मेरे भाई, बहुत शुक्रिया आपसे मिलके, अपना ख्याल कीजिएगा और इसी तरीके से मुस्कुराते रहें, तब्दीली लाने की कोशिश करते रहें, जो जो आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं उसको लोगों में बताते रहें, लेकिन जो चीज़ हम जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बड़े जब आए थे ना, तो वो उनको उनके लोग कहते थे कि हमारे बड़े तो ऐसे करते हैं, आप क्यों हमें दूसरी दूसरी बातें बता रहे हैं, तो हम तो वही करेंगे जो हमारे बड़ों ने हमें बताया। तो हमारे बड़े जो हैं वो कोई आसमानी मखलूक तो है नहीं, वो भी इंसान है, उनके बड़ों ने जो उनको बताया उसमें भी गलती हो सकती है, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो भी बड़े बता रहे हैं उनको इज़्ज़त के साथ एहतराम के साथ उनसे सवाल करें कि भाई आपने मुझे ये बात बताई है तो ये कहाँ लिखा हुआ है। उनके ऊपर तो कुरान नाजिल नहीं होता ना, वो तो नबी नहीं है ना, किसी के ऊपर कुरान आया था तो वो हमारे नबी हैं, उनकी बातों को हम लेके देखते हैं ना। तो अगर कुरान में नहीं लिखा हुआ कि अंग्रेज़ी बोलने से गुनाह मिलता है और उर्दू बोलने से सवाब मिलता है, तो फिर ये बड़ों ने कैसे पैदा कर लिया, कि उर्दू तो थी नहीं 500 साल पहले, उर्दू ज़बान ही नहीं थी, तो वो गुनाह सवाब कैसे मिलता है, ये बात मुझे समझ में नहीं आई, आप किसी से पूछ के मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है, थैंक यू सर। नहीं बिल्कुल, सवाब गुनाह की बात मैंने जो है ये की है कि मतलब इंग्लिश भी बोलनी चाहिए आज के दौर से, ठीक है ना, लेकिन ये कि अपने लैंग्वेज भी होने चाहिए, अपने लैंग्वेज भी तो लाजमी होने चाहिए ना। ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ पढ़ के आए हैं बाहर, उनको उर्दू आती भी नहीं है, ना सिंधी आती है ना उर्दू, मतलब जो भी अपने रिलेटेड जो मतलब लैंग्वेज हो, तो ऐसे भी नहीं होनी चाहिए। तो इतनी मतलब स्टडी में हम घूर हो जाए, पागल हो जाए, तो ऐसे भी नहीं होनी चाहिए, मैं तो ऐसे समझता हूँ। ऐसी दुनिया से मतलब बाहर हो जाए जो कि खूबसूरत, बहुत सारी अभी चीजें पड़ी हैं, ऐसे नहीं है कि सारा कुछ स्टडी है, स्टडी भी है और भी दुनिया भी बाकी है, घूमो बाहर जाओ। और अभी आप स्टडी वाले से पूछेंगे ना सोशल मीडिया, वो कहेंगे ये तो फारिग चीज है, इसको छोड़ो। मैंने आपके लिए भी बहुत सारे जो है किस्से सुने हैं कि भाई रेहान अल्लाह वाला आता है, ये करता है, वो करता है, मतलब बहुत सारे किस्से। मैं समझता हूँ आप बहुत ही अच्छा सा काम कर रहे हैं और अच्छा अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को, बहुत ही अच्छा, एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते आपको, फिर आप उन लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे, वो भी पढ़े लिखे हैं। अभी मैं इजाजत ले लूं, मेरा कोई इंतजार नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी सर।